कैंपस प्रोग्राम अज असी तुहानू लैके चल रहे हैं शाह हरबंस सिंह ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स जो कि रानी वाला चोला साहब जिला तरन तारण विखे स्थित है। शाह हरबंस सिंह ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स जिथे कि पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड CBSE अते NTT दियां ब्रांचेस ने। विद्या दा दारा ए स्कूल जो कि बच्चों लिए एक वरदान है। स्कूल विखे अज दे टाइम की हर तरह की मॉडर्न फैसिलिटी मौजूद है। स्कूल विच बच्चों नूं पढ़ाई दे नाल नाल कल्चरल अते धार्मिक गतिविधियों नाल भी जोड़ा जाता है। स्कूल विखे मॉडर्न 3D स्मार्ट क्लासरूम्स ने जो कि बच्चों लिए किसी वरदान तो घट नहीं है। साई टीम ने इत्थे पढ़ रहे स्टूडेंट्स नाल गलबात की जिन्होंने स्कूल की बेहद तारीफ की। इत्थों दा स्टाफ बहुत ही मेहनती ते तजर्बेकार है। साई टीम ने इत्थों दे डायरैक्टर सर नाल गलबात की जो कि बहुत ही मेहनती इंसान है अते हमेशा ही स्कूल की तरक्की लिए उपराले करते रहते हैं। इस दे नाल नाल साई टीम ने प्रिंसीपल मैम अते उन्हां दे परिवारिक मैंबरां नाल भी गलबात की जिन्हां ने सानूं स्कूल बारे विस्तार नाल जानकारी दित्ती। सो जेकर तुसीं भी अपना सुनहरे भविख बनाना चाहते हो तो पहुंचो शाह हरबंस सिंह ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स रानी वाला चोला साहब जिला तरन तारण विखे। पंजाबला चैनल ते तुहाडा स्वागत है। असीं आए हाँ शाह हरबंस सिंह इंटरनेशनल स्कूल और गल कर रहे हैं इत्थों दे होनहार बच्चों के नाल जिहड़े इत्थे +2 ते +1 दे विच पढ़ रहे ने। बेटा स्वागत है तुहाडा, की कहना चाहोगे, किदां लग रहा स्कूल च? वधिया लग रहा है। किदां दी पढ़ाई है? वधिया है। बेटा किदां लग रहा स्कूल च? सर बहुत वधिया लगन दिया। ते की कहना चाहोगे कि अपना सुबह दा मौसम हैगा और सुबह सुबह आ के एनर्जी लैवल्स प्रेयर तो शुरू हो जाते हैं, की कहना चाहोगे? सर बहुत वधिया एनर्जी है, बहुत वधिया स्कूल है, बहुत वधिया पढ़ाई चलती इत्थे, बहुत वधिया सिखाउंदे आ, वधिया सारे। बेटा की कहना चाहोगे कि इतने कल्चरल एक्टिविटीज़ गेम्स हर चीज़ मतलब जी सिखाई जाती है? सर हाँ जी सिखाई जाती है। बेटा किदा दे टीचर पढ़ाते हैं? बहुत वधिया टीचर पढ़ाते सारे, और सारे फ्रेंडली है टीचर, जिदा तुसी हुण वड्डे हो चुके हो थोड़ा जिहा टीचर भी मतलब करते हैं मान तुहानूं प्यार करते हैं बच्चे वांगू? पूरा पूरा। बेटा किदा लग रहा? सर बहुत वधिया। बेटा किदा इंजॉय कर रहे हो? बहुत वधिया इंजॉय कर रहे। सर बहुत वधिया ते स्कूल चीज़ नहीं भी समझ आती टीचर्स नूं, बाद च पुछ लैंदे फिर भी वह कर लेंगे कंप्लीमेंट? हाँ जी जी कर लेंगे, बाद में फिर समझा देंगे उनके भी। बेटा की कहना चाहोगे, ग्रीनरी ग्रीनरी है सारे पासे और ग्रीनरी का अपन जोड़ा है उस समय तो पता लग गया करोना च भी ग्रीनरी की वैल्यू है, जो ऑक्सीजन की अपन वैल्यू पता लग गया? सर बहुत वधिया, करोना की बहुत हालत जी बहुत वधिया चलिया है, यहाँ करके सानू और प्लांट लाने चाहिए। बेटा किदा इंजॉय कर रहे हो स्कूल? हाँ जी पूरा इंजॉय कर रहे हैं, स्कूल से बहुत वधिया फैसिलिटीज ने, बहुत वधिया ने इंजॉय कर ली। बेटा इंग्लिश स्पीकिंग कि स्कूल मतलब जो आप इतों के बच्चे जोड़े है काफ़ी बाहर जा चुके हैं और आईलैट्स क्लीयर कर लेंगे ने, की कहना चाहोगे कि इंग्लिश इतने वधिया सिखाई जाती? हाँ जी बहुत वधिया सर जी। बेटा किदा महसूस करते इतने? बहुत वधिया सर महसूस करते, बहुत वधिया एनवायरमेंट भी, सारे बच्चे भी टीचर भी बहुत वधिया। फीलिंग? सर बहुत वधिया स्कूल, सर बहुत वधिया, बहुत वधिया सर, बहुत वधिया। फाइव यस बहुत वधिया, बहुत वधिया, बहुत वधिया स्कूल, बहुत वधिया सर। यंग ब्लडेड ने और उन्होंने टीचर जोड़े है वो भी यंग ब्लडेड, तो बड़ी वधिया टीम है टीचर की, अपना टीचर गल कर रहे हैं। सर स्वागत है तुहाडा। हाँ जी वेलकम जी। सर की कहना चाहोगे कि किवें तुसीं इन्हां बच्चों इन्ना मतलब जो है प्रेम के नाल रखा हुआ, भी इन्हों अखों के रौनक हैगी, एनर्जी है, खुश है बच्चे, की कहना चाहोगे? ये जी अध्यापक के सिर पर है जी, बच्चे है जी, ये फुल है जी, साढ़े फुलवाड़ी जी को माली उन्होंने कोई गोड़ता है पानी पाँदा है, जो असी टीचर इन्हों प्रेम ना रखते हैं इस करके ये बच्चे साढ़े वधिया जी। सर की कहना चाहोगे कि इंटलैक्चुअल बच्चे ने अज का मॉडर्न सिनेरियो है, ये नहीं है कि आप रटे ला के इन्हों पढ़ा देंगे, ये बच्चे पहले ही बहुत ज़्यादा परिपक् ने इंस्टा के उत्ते, गूगल के उपर, फेसबुक के उपर, की कहना चाहोगे कि इन्हों मॉडर्न तरीका फिर तुम्हें टीचर भी अपना पैंता पढ़ाने लिए जिद ना उभरना? हाँ जी सर सूँ अपना पैंता वा नवी नवी टनीक्स जिमें 3D क्लासिस स्मार्ट क्लासिज है, पर जोड़े बच्चे है बहुत ज़्यादा एजुकेटड आ, खुद ही इन्होंने इंट्रस्ट हैगा वा, इन्हों का जो इंसोरब इंट्रस्ट हो ही बच्चे जे अगे सीखते हैं, हर एक बहुत रुचि है कि नवे नवे तरीके तरीकी है, ग्राफिक राही तरीकी है, मॉडल राही तरीकी है, जिदा भी अं जो सीखना चाहते जी बच्चे बहुत वाइया जी। सर यू आर बैकबोन ऑफ द स्कूल, जिदा सर फिक्र नहीं तो सर के उत्ते, उन्होंने पता भी ये बैकबोन हैगी मेरी और हरेक चीज़ के ये मल्टीपर्पज बंदा है, की कहना चाहोगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जिमें अगर अं बैकबोन उन्हों की तो बैकबोन होने की है कि सानू अपने उत्ते माण आ, असी इस स्कूल के कम कर रहे हैं, ठीक है, लंबे समय तो कम करने की है, इन्हों बच्चों जिते भी लोड़ पैंती टीचर की, अगर इन्होंने कोई असाइनमेंट्स टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाए, कि अगर बच्चे कोई भी एक तरह का कोई डाउट आ तो उस कंसैप्ट कंसैप्चुअली ही समझाने विद द हैल्प ऑफ डायगामेट्रिकली, ठीक है, विद द हैल्प ऑफ लैब्स सारा कुछ मेनटेन करके इन्होंने पढ़ाया जाता है, ठीक है सर। सर बहुत वधिया महसूस कर रहे। की कहना चाहोगे कि इस स्कूल केवल विद्या का दान ही नहीं, वो कल्चरल एक्टिविटीज़, गेम्स, करैक्टर बेल्ट, माइंड सैटअप, इंग्लिश स्पीकिंग, परसनैलिटी डिवेलपमेंट, हर चीज़ के उत्ते एम्फसाइज़ किया जाता?
यस बहुत वधिया कीता जांदा है हर इवेंट नूं सेलिब्रेट बहुत वधिया तरीके नाल कीता जांदा बेटा हाउ इज फीलिंग सर बहुत वधिया फीलिंग है सर बहुत वधिया स्टडी हुंदी है इत्थे बहुत वधिया सर ऑल ओवर बहुत वधिया टीचर दा एटीट्यूड किदां दा सर एटीट्यूड नहीं हैगा सर वधिया टीचर्स टीचर दा माइंड सेटअप किदां दा मतलब वधिया तुहाडे नाल बच्चे नाल हां जी सर सर सारा पढ़ाई वधिया हां जी वेरी गुड सर एज फार एज studies concerned, cultural activities are concerned, yes, games are sir, concerned. Yes sir, I am totally satisfied with the studies. बहुत वधिया है स्कूल बहुत वधिया है नाइस और की सोचदे तुसी जिद्दां सारा कहंदे आ कि तुसी इंडिया च रह के सेवा करो उन्हां दे माइंड च है कि साडे बच्चे बाहर ना जाण साडे बच्चे इंडिया च ही रहण की लगदा तुसी इंडिया च ही सेवा करना चाहुंदे हो कि तुसी बाहर ही जाना चाहुंदे हो सर इंडिया च भी करना चाहुंदे आ बहुत वधिया दसदे बेटा हाउ आर फीलिंग गुड किद्दां दा एटमॉस्फेयर है इत्थे बहुत वधिया मतलब स्टडीज़ भी है और होर भी एक्टिविटीज़ जो बड़िया वधिया तरीके करवाई जाए गुड फाइन सारा वेरी गुड सर गुड सर एंजॉयिंग यस सर हाँ जी सर यस सर यस सर अपने को बायोमैट्रिक यानी कि बायो लई मैथ लई ते साइंस लई यूज़ की जाती है जिदे विच 3D आ जिहड़ा भी आप थ्योरेटिकल ते प्रैक्टिकल देखते हैं इहदा 3 एंगल ही हुंदा कि जो भी आप इंटरनल ते एक्सटरनल पार्ट आप इतों स्टडी कर सकते हैं बच्चे खुद जिहड़े आ सैल्फ स्टडी करना होवे ते 3D क्लास विच आण के हर एक नाल स्टडी कर सकदा वा इहदे फुल डिटेल इनफॉर्मेशन हुंदी आ थ्योरेटिकल विद प्रैक्टिकल यानी कि मॉडल दे थ्रू क्लासेस दे विच जिहड़े छोटे किंडरगार्टन बच्चियां दे नूं एनीमेशन दे थ्रू स्टडी कराई जाती है जिहदे तों बच्चा पिक्चर नूं देख के खुद अट्रैक्ट करके बच्चे उन्हां ईजीली सीखता हैगा जिहदे नाल बच्चों के इंट्रस्ट बन जाता ताँ कि वह होर स्टडी वधिया करते हैं क्योंकि अज्ज दे टाइम जिहड़ा बच्चा मोबाइल दे टाइम तो देखते एनीमेशन दे थ्रू ज़्यादा सीखते इहदे विच हुंदियां सारियां रिदम्स एनीमेशनस ते सारियां पोएमां जां अल्फाबेट्स नमेरिकल सारा इहदे विच अटैच हैगा बच्चा इन्हां नूं देख के ही सीखता वा ताँ कि बच्चे का इंट्रस्ट बनया रहे घर जाके भी बच्चा 3D क्लास के जाके ना यूज़ कर सकते हैं यानी कि अज के युग के जरूरी है हर एक बच्चों लिए कंप्यूटर बहुत ही महत्वपूर्ण आ जिहड़े जिहड़े मर्जी तुसी डिपार्टमेंट चल जाओ कंप्यूटर जरूरी है उही अहीं बच्चों नूं हुण तों ही सिखा रहे हैं जिवें जिवें उन्हां दा स्टैंडर्ड हाई हुंदा जाऊगा वह नाल दे नाल ही सीखते जाएंगे जिन्हां विच MS Excel पेंट PowerPoint जिन्हां दे थ्रू बच्चों ने अगे जाके वधना जिहदे विच HTML C++ लैंग्वेज जिहड़ी असीं हाई स्टैंडर्ड तक उन्हां नूं कराई जांदी है जिन्हां दे थ्रू ही बच्चों ने गाड़ी कंप्यूटर डिपार्टमेंट दे विच होर किसे वी के डिपार्टमेंट जाणा होवे ते इत्थों सीख के ही बच्चा अगे अपनी जिहड़ी फर्दर स्टडी इनक्रीज़ कर सकदा बच्चों तो हुण तों इंट्रस्ट बनता बच्चे घर भी जाके ही कंप्यूटराइज सारा कुछ सीखते हैं क्योंकि इहदे विच इन्नी कु ही नॉलेज हैगी आ कि बच्चा सैल्फ स्टडी भी कर सकदा तो गूगल तो जो सर्च मारो कंप्यूटर राही ही सारा कुछ चलता है दर्शकों पंजाब प्लस चैनल पर तुहाड़ा स्वागत है अज असीं आए हैं एक बार फिर उस विद्या दे दानी स्कूल दे कोल जिहड़ा 4 साल पहला असीं कवर कीता सीगा और उचाइयों नूं छूंदा होया और करोना दे उस औखे समें नूं लंघदा होया अज फिर यह स्कूल उस तरीके दे नाल सेवावां कर रहा है गल कर रहे हैं डॉक्टर सर दे नाल जिन्हां ने अपने ताज की याद दे विच इह जिहड़ा स्कूल है उहनूं इक विद्या दा मंदिर ही बनाया होया है और जिस तरीके दे नाल हुण एडमिशन चालू ने सर की क्राइटीरिया हैगा तुसीं जिस तरीके दे नाल लोग दस रहे हैं कि यह स्कूल आ जिहड़ा वह ऐसा स्कूल है जिस इंफ्रास्ट्रक्चर आ जिहड़ा वह शहरां वर्गा लेकिन फीसां बड़ियां घट हैगियां की कहना चाहोगे इहदे च जी साडी सोच ही सी भी इस ये जिहड़ा इलाका सी पहलों तां अतवाद दा मारिया होया सी तो जदों असीं 2005 च स्कूल खोलिया इस इलाके नूं बहुत ज़्यादा लोड़ सी उस टाइम असी बिल्कुल हाईटैक स्कूल लैके आए सी और इहदे च असी सब तो वड्डी सोच ये लैके चले सी भी जिन्हां दे माँ बाप बिल्कुल अनपढ़ ने और जिहड़े स्कूल हैगे आ कि पढ़े लिखे पेरेंट्स का बच्चा ही लैंदे आ उन्हां दा एक बदल लैके आए सी कि भावें अनपढ़ होवे जां कोई घट पढ़िया होवे अपने बच्चे नूं चंगी विद्या देना चाहवे तो असी उदां दी सेवा लई आए सी अज भी इन्ने सालों बाद साडा सब तो पहलो प्रायोरिटी हुंदी है कि असी उस बच्चे दी नूं लईए जिस बच्चे दे घर दे घट पढ़े लिखे होण जां बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे होण तो असी आप 100% मेहनत करके उन्हां नूं बराबर दा उन्हां स्कूलों दे बराबर दे लैवल दा बच्चे नूं तैयार करदे हां सर जिस तरीके दे नाल इह स्कूल असी देखिया हुण असी बच्चों दे नाल कम्युनिकेशन कीती है प्लस टू दे नाल इन्ने क परिपक्क ने कि उन्हां नूं कई बच्चे बिना किसी कोचिंग तो ही आईलैट्स क्लीयर कर रहे हैं कई बच्चे जिहड़े हैगे ने ओ एग्जाम जिहड़े हैगे आ कंपीटीशन दे बिना किसी तैयारी तो बिना किसी बाहरों मतलब ये स्कूल ही इतना परिपक्व कर दिंदा जिदा टीचर तुहाडे बड़े समर्पित ने और 3D लैब जिदा असीं देखी आ लैब्स देखियां हैगियां की कहना चाहोगे कि इस स्कूल नूं तुसीं नो डाउट कि पेंडू एरिया च आ गए तुसीं बनाया अपने ताज की याद लेकिन स्कूल च हर वो फैसिलिटी जिहड़ी वड्डे स्कूलों च मिलदी ओह मिलदी
देखो सब तो वड्डी गल देखने वाली ये हैगी कि जी असीं जदों एक लाइन एजुकेशन लाइन च आए हैं तो असीं की दे रहे हैं। मैं एक गल इत्थे बड़े क्लीयर कर देना चाहुंदा कि साडे बच्चे मेरे ख्याल नाल तकरीबन ज़्यादा बच्चे जिहड़े प्लस टू करके जाते असीं जिहड़े नर्सरी तो साडे कोल पढ़े आ जां कोई फिफ्थ च आया जां एट्थ च आया इन्ना कि असीं उहनूं अपने आप च काबिल कर सकते हैं भी उहनूं आईलेट की ट्रेनिंग लैण की जरूरत नहीं हैगी। साडे हुण पिछे बच्चे गए आ बेटियां साडियां ने बिल्कुल किसी तों ट्रेनिंग नहीं ली, इत्थों पेपर दे रही असीं पैरल उन्होंने ने आईलेट कर ली तो बाहर भी चले गए। साडे इस स्कूल की एक होर रैपूटेशन बहुत चंगी है खासकर माझा बैल्ट दे विच साडी स्कूल दे बच्चा जदों आस्ट्रेलिया अंबैसी जां कनेडा अंबैसी जां अमेरिकन अंबैसी अंबैसी जां यूके की अंबैसी इंग्लैंड की अंबैसी में जदों भी वो पेपर जाते हैं शुरू शुरू चैकिंग होंगी सी हुण बिल्कुल चैकिंग नहीं होंगी। साडा एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट आ साडे बच्चे का वीज़ा आ पिछे जे एक बेटी ने आस्ट्रेलिया लई कीता सी ऑनलाइन कीता तो तुसीं मन्नोगे उहदा फादर कहिंदा कि मैं अपनी गड्डी च बैठा जदों कागज़ पाए तो विदन एक घंटे के अंदर अंदर कहिंदे भी सानू ऑनलाइन वीज़ा सानू एजेंट का फोन आ गया कि वापस आ जाओ तुहाडी बेटी का वीज़ा आ गया। तो वो बेटी ने पिछले महीने 7 तरीक नूं फ्लाइट लई है। सर अगर आप गल कर लीए ग्रीनरी की गल कर लीए ये स्कूल जिहड़ा मेनटेन किया गया ग्रीनरी और चारे पासे आप हरियावली हरियावल देख सकते हैं की कहना चाहोगे कि हरियावल लाना और उन्होंने मेनटेन करना असी देखिया कि चार बंदे जिहड़े सुबह लगे हुए थे जो असी सुबह सुबह आके पहला वेट की तो थोड़ी देर असी इत्थे आ गए तो चार बंदे लगे हुए थे जिहड़े बिल्कुल मलाई वांगू चीज़ां बनाई जांदे सीगे दरख्तां नूं कट्टी जांदे सीगे पौद्यां नूं पानी लाई जांदे सीगे पत्ते विच्चों चक्की जांदे सीगे। की कहना चाहोगे कि ग्रीनरी लाउणा और उहनूं मेनटेन करना ये स्कूल मेनटेन करदा ग्रीनरी नूं की कहना चाहोगे? ये सब तो वड्डा पक्ष है भी जदों भी असीं बच्चों नूं ये माहौल दिखाउणा चाहुंदे आ भी जदों बच्चे बाहर जाते बाहर जाते भी माहौल वधिया होना चाहिए जे चंगा माहौल होगा तो बच्चे चंगा पढ़नगे। ग्रीनरी एक बहुत वड्डी साडी अक्खां नूं जिहड़ी चीज़ सोहणी लगती है जां इहदा नाल साडा मन बच्चों का शांत हुंदा जदों घूमदे आ बहुत चीज़ है। इस करके मेनटेनेंस सेम बच्चों का लैके चलो ये बच्चे भी पनीरी है एक किस्म की जे असी इन्हों नर्सरी तो लैके हौली हौली इन्हों की मतलब जिदा असी बूटे की कांट छांट करते हैं तो बूटा भी सही चले आ चीज़ खराब उही सेम साडा पढ़ाउण दा तरीका हैगा। ये एक एजुकेशन के नाल नाल ये भी चीज़ बहुत जरूरी है भी जे असी इहनूं मेनटेन कर रहे हैं तो बच्चे नूं भी मेनटेन करके रख रहे हैं। सर सब तो वड्डी गल है कि तुसीं एक परिवार तुहाडी वाइफ जिन्हें अपनी सारी जिंदगी विद्या दे दान च लगाई है और उन्हें हमेशा मगर मुड़ के नहीं देखिया और तुहाडा स्टाफ जिहड़ा कि बहुत ही टैलेंटेड स्टाफ हैगा बड़े पढ़े लिखे बच्चे और उन्होंने नाल उन्होंने भावना जी हैगी एक सेवा की भावना तुसी पहले दिन तो ही उन्होंने इदा ही कौंसल किया हो भी भाई आप इतने विद्या का दान देन आए हैं आप बच्चों जिंदगी देनी। देखो गल इदा है जी एक परिवारक जो मीटिंग हुई सी ना भी असी कुछ खोलना अपने इस इलाके लिए क्योंकि बेसिकली साडा पिछला पैंतरिक पिंड हैगा जो कह लो कि असी आप तो जलंधर असी मेरा अपना बर्थ जलंधर का मेरे फादर सारी जिंदगी जलंधर रहे असी यही मोटिव लैके आए थे भी जे असी सेवा करनी तो दिलों करनी है तो फिर पूरा अपने आप नूं इस चीज़ लिए समर्पित कर देना कि असी ये चीज़ नूं उठाना उत्ते। दूजी गल मैं बहुत बड़ी क्लीयर कर दिंदा भी कल्ला बाहर नहीं साडे बच्चे जलंधर इत्थे ब्लॉक दे च भी लगे हुए है साडे बच्चे बैंकां च भी लगे हुए है ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫੌਜ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਬਣੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਸਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਇਹੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਈਟ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਪਰਿਪੱਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਨੀਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇੰਡ ਸੈਟਅਪ ਆ ਉਹ ਖੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਅਮਿਊਜ਼ਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਔਰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਹੁਣ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਚਾਲੂਗਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ
आम किंडरगार्डन स्कूलों के जिन्हें बड़े व्डे नाम आ बच्चे 1-10 तक नहीं कराते, असी तकरीबन 100 तक करा जाने और बड़े फ्रेंडली तरीके कराने कि बच्चा अगे जाके सब तो वधिया बच्चे का बेस आ, जे बेस वधिया बन गया तो बच्चा सारी जिंदगी वधिया रहेगा। मैं तुहानू इत्थे भी दस दिंदा भी कई बच्चे पेरेंट्स ने कुछ गल्लां करके जां किसी दे मगर लग के किसी ने थर्ड चो बच्चा कढ़ लिया, किसी ने फिफ्थ च कढ़ लिया, उन्होंने नाइन्थ च फेल करके अगले फीसा ले जाते फिर छड़ देंगे। वो कई बच्चे फिर साढ़े को आते हैं फिर वो कहें फिर असी उन्होंने चैलेंज लैके उन्होंने बच्चों का दोबारा कई बार तो इतों तक हो जाते भी उन्होंने जो वो एट्थ चाहे या नाइन्थ चाहे फिफ्थ तो शुरू दोबारा करते हैं, एक साल ची असं उन्होंने बराबर लियाने पूरी मेहनत करके असी इदा का स्टाफ भी रखे भी जोड़ा कोई साढ़े को चैलेंज आए असी उस बच्चे दोबारा प्रिपेयर करके तो पेपर दवाइए बोर्ड दे। बहुत व्डा एक असी एक लैके चलें टारगेट क्योंकि एक साढ़े को पेरेंट्स आए थे जिन्होंने सूँ एक गल डिमांड रखी थी 2007 के भी तुम इदा का भी कोई करो भी जो कोई बच्चा रह गया किसी स्कूल तो उन्होंने इदा का डिवेलप कर दो कि वो इदा पास ना हो बट वह बेस भी बने तो पास भी हो। सर अज असी 4 साल बाद आए हाँ, तुम स्कूल में होर बुलंदियों से लै गए हैं, परमात्मा करे कि एक दिन ये स्कूल के नाल कॉलेज हो जिदा तुहाडा सपना हैगा कि मैं विद्या के दान नूं होर प्रसार करना, ये स्कूल के नाल नाल होर इहदियां ब्रांचिज जिहड़ियां हैगियां वह भी खुलन, लोग जिदा फ्रेंचाइजियां मंग रहे हैं, तुहाडा सानूं समां देने लई बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तुसीं साडे टाइम दिता, ताड़ा भी बहुत बहुत धन्यवाद। कहना चाहोगे कि सारा परिवार जिहड़ा हैगा इस मिशन च लग्गिया होया है कि स्कूल नूं असीं अगे लैके जाणा जिहदे च बेटा जिहड़ा कि ला करके और पुत्र वधू जिहड़ी एसएसएस डॉक्टरी करके अगे पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रही हैगी आ। की कहना चाहोगे कि सारी फैमिली इंटेंगल हैगी आ, पहला तुसीं बूटा लगाया फादर और दी चाचा जी दी याद दे विच उन्होंने अपने बजुर्गों की याद दे विच चार भगत सिंह दे नाम दे उत्ते उस पिंडां दे एरिया नूं प्रफुल्लित करन दे लई। की कहना चाहोगे कि नैक्सट पीढ़ी भी आ गई हैगी और क्रिएटिव ने बच्चे दोनों ने नवीं चीज़ां दसदे ने इदां करो 3D डिमेंशन बनाओ और जिहदे नाल मतलब एक भावना पैदा हुंदी हैगी है कि उह लगदा कि परिवार जिहड़ा हैगा हमेशा खड़ा पानी नहीं चली जांदा। हाँ जी जी, असी जदों ये स्कूल खुल्लिया सीगा साडी सोच यही सी कि अपने पेंडू पछोकड़ दे विच असी बच्चों नूं इहो जिहियां फैसिलिटीज़ इहो जी एजुकेशन देनी है कि जिहड़े बच्चे जिहड़े आ बाहर जाके कॉम्पीट कर सकन दूसरे स्कूल्स दे नाल, दूसरे शहरां दे विच जाके बच्चे जिहड़े अगे वध सकन, अज दे जमाने दे विच चल सकन, अगे कॉम्पीटिशन्स दे विच जा सकन। ते उहदे वास्ते असी शुरू तो ही सोच लैके चलदे आ कि असी वधिया स्टाफ रखीए सारा कुछ। हुण बच्चे भी साडे नाल मिल गए ने ते ये भी साडे इन्हां दी सोच नूं मॉडर्न सोच नूं भी असी नाल लैके हर तरीके दे नाल असी अपने स्कूल दे विच वधिया तो वधिया काम करना चाहुंदे आ तां कि जिहड़े बच्चे ने वो अगे जाके उहदा कोई उहनां नूं बेनीफिट हो सके। पर की कहना चाहोगे कि लोग तो आईलैट्स लई तैयारियां करते हैं वो करते हैं लेकिन अपने स्कूल के बच्चे जिहड़े हैगे आ उह सिंगल हैंडड ही वो जदों इत्थों करके जाते हैं नाल दी नाल ही नंबर तो बन जाते हैं अकैडमी वालों के भी असी बैंड दवाते पर असली जो खूंडुल्या होंगे जिते मेहनत की टीचर दिया पेल स्कूल के उन्हों का नाम ही नहीं किसी आता क्योंकि ये स्कूल जरा पहले तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आप गल कर लीए बच्चों की गल कर लीए उन्होंने खेलों की गल कर लीए तो स्कूल स्टार्टिंग तो उन्होंने अप करना शुरू कर देता। बिल्कुल जी, साड़ी तो यही कोशिश होंगी है कि हर बच्चे हर तरह हर एक बच्चे दे विच एक टैलेंट छुपया हुंदा है और सानू ये हुंदा कि असी उस बच्चे दा टैलेंट पहचान के उन्हों उस वे दे नाल उन्हों आपां अग्गे लियाईए वो हर एक्टिविटी दे विच पार्टिसिपेट करे और शुरू तो इंग्लिश स्पीकिंग हो जाए जां कोई भी जिहड़ा हैगा या फील्ड उहदे विच उह कर सके। पर चलो ये तो रुझान बन गया कि हुण आइल्स करके बच्चे बाहर जाना चाहुंदे आ ते ओ बट ऑबवियस है जे असी स्कूल्स दे विच भी असी आप ही जे आपां बच्चों नूं ग्रामर करवाउंदे आ इंग्लिश करवाउंदे आ प्रोनंसीएशन उहनां दी इंप्रूव करदे आ ते उहदे नाल काफ़ी फर्क पै जांदा आ। पर जदों आइल्स दा एक रुझान हैगा आ उह जाके उत्थे लैंदे आ बैंड्स लैंदे हैगे आ ते उन्हां दा इंस्टीट्यूशनस दा नाम हुंदा पर फिर भी जदों जिहड़े बच्चे साडे आर्मी दे विच मैडिकल दे विच जां बैंक्स दे विच जॉब्स लैंदे हैगे आ उत्थे जाके साडे स्कूल दा ही नाम जिहड़ा साडे अध्यापकां दा नाम ही रोशन करदे आ। हुण चाहवांगे कि मानयोग बच्चे जिहड़े लायर ने जिन्हां ने ला कीती होई आ पुत्तर वधू जिहड़ी डॉक्टर आ दोनों नाल असीं गल्लबात करिए। हांजी, सति श्री अकाल जी। ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਰ ਹੋ ਲਾਅ ਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਸ ਵਾਲੇ ਕਮਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਰਿਟਾਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਸਟਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗੂਗਲ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3D ਲੈਬਸ ਵੀ ਨੇ, 3D ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ 3D ਲੈਬਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕਲਾਸਰੂਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮਸਾ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਵਾਈਦਾ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੇ ਉਹ MBBS ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਵਾਈਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਅ ਫੀਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਸਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲਾਅ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਭ ਕੁਝ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਈਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਾਅ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲਾਅ ਦੀਆਂ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਤਾ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਨ ਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਪੂਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਆਈਲਟਸ ਦੀ ਵੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੱਸ 1 ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਲਟਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਧਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਗਿਆਤਾ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ MBBS ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ, ਐਂਡ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫੇਸ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਲੜਕੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ એનર્ਜੀ ਭਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾਣੀ ਗਏ ਹਾਂ ਬਈ, ਆਪਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਜਾ ਵੜਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਚੈਲੇਂਜਸ ਲਈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਗਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਿਖਣ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਤਾਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵਿੱਚ ਗਰਲਸ ਆਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਫੇਸਿੰਗ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਹੈਲਥ,
तो उन्होंने उस चीज़ के रिगार्डिंग भी मैं काफ़ी इनफोरमेसन दिती हुई है कि ये एक नॉर्मल चीज़ आ जिन्हों सोसाइटी के सू एज अ हैवॉक नहीं क्रिएट करना चाहिए, इट इज़ नॉर्मल थिंग विच दे शुड ओपनली टॉक अबाउट, ठीक है। तो नाले फिजिकल एक्टिविटी स्पोर्ट्स वगैरह के बच्चों आप हेल्थ के नाल रिलेटिड बेनीफिट्स भी दसे ने कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जे तुम प्राइज़ के लालच लिए कर रहे हो तो उस तो अगे वध के भी सोचो कि यह साड़ी सेहत लिए कितना फायदेमंद हैगा है कि आप इस सब चीज़ों पार्टिसिपेट करिए। हुण स्कूल ने बच्चों इन्ने वड्डे वड्डे मुकाम ते पहुँचाया होया है स्पोर्ट्स के रिलेटिड, इन्ने कॉम्पीटिशन हेल्ड किए जाते हैं, उन्होंने प्रमोट करने लिए प्राइजेस दिते जाते हैं, बाहरों लोग सदे जाते हैं, हाई अथॉरिटीज इनवाइट की जाती ने स्कूल के ताकि बच्चों एक मोटिवेशन मिलती रहे कि उन्होंने परफॉर्मेंस देखने लिए स्पैक्टेटर्स बहुत एजुकेटेड आए हुए हैं सारे। इस तरीके बच्चों एवें लगता है कि साड़ी जिहड़ी परफॉर्मेंस हैगी सिर्फ पिंड तक नहीं बाहर भी पहुँच रही है, बाहर भी बहुत वधिया लेवल ते लोग बैठे आ जिहड़े उन्हां नूं देख रहे ने इत्थे आ के पिंड उन्हां दी परफॉर्मेंसिस नूं, ते बस प्यार बनिया रहिंदा बच्चों के नाल जिद्दां आपां उन्हां दे नाल टाइम स्पेंड करते हैं। तो कोशिश यही रहिंदी है कि बच्चों जिंदगी दी स्ट्रगल बारे दस्या जावे कि वह चीज़ां नूं अपने मैंटल हैल्थ ते इफेक्ट नहीं करन देना हैगा, बट वह चीज़ां समय दे नाल इंपॉर्टेंट भी बहुत ने स्ट्रगल। थैंक यू। मैं चैनल दे राही अपनी ऑडियंस नूं आ भी दसना चाहुंदा हां कि असी स्कूल दे नाल नाल हुण एनटीटी दा भी कोर्स लै आए हैगे आ जिहदे विच कि बच्चा जिहड़े 10th कीती है या प्लस 2 कीती है वह एनटीटी दा कोर्स कर सकदा है। नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स हैगा जी, ये साडे जिहड़ा अपना टाइटल जिहदे अंडर असी इह कोर्स कराउंदे आ उहदा नाम हैगा एस हरबंस इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ते इह साल ते 2 साल दा डिप्लोमा कोर्स हैगा जी जिहदे विच कि बच्चा करके इहदी इंडिया दे विच ते मानता है ही है, सरकारी नौकरियां दे विच इहनूं प्रैफरेंस दित्ती जांदी है, पर नाल दी नाल विदेशां दे विच भी इहदी बहुत मानता हैगी है। नाले इस कोर्स नूं करके कोई भी जे कोई बीइंग अ टीचर हैगा या किसी ने 10वीं तों बाद कोई डिप्लोमा करना है वो साल का 2 साल का कोर्स कर सकता है साढ़े को। ये कल जो कोई बच्चा सरकारी एग्जाम के अपीयर करता है जे सरकारी टीचर लगना चाहता है तो उन्होंने इस सर्टिफिकेट के नाल मानता प्रैफरेंस भी दी जाएगी, तो कई कंट्रियाँ जिदा कैनेडा ऑस्ट्रेलिया के भी इस कोर्स की बड़ी मानता हैगी है जिथे कि जाके उन्होंने ईजीली जॉब मिल सकती है और यह बहुत ईजी कोर्स हैगा आ। इस रिगार्डिंगली जे किसी ने कोई भी इंक्वायरी लेनी है तो स्कूल के दिते हुए नंबर पर कॉल कर सकता है। साल का कोर्स जे किसी ने लिता है तो उन्होंने वधिया लगता है, तो नाल दी नाल जो साल के कोर्स नूं 2 साल के विच भी कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो यह भी हो सकता है। दसदे हुए बहुत खुशी होगी जी कि यह साडे इलाके दा जिले का पहला स्कूल है जिहदे कोल एनटीटी की मानता हैगी है जी। तो दूसरी गल इस नूं करके अपने जिहड़े अगे स्टूडेंट्स हैगे ने वह एलीमेंटरी ते प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, तो मैं चाहूँगा कि यह ऑपरचुनिटी सारे स्टूडेंट्स नूं लैनी चाहिए हैगी है। और जे किसी बच्चे का प्लस 2 तो बाद या 10वीं तो बाद गैप पै गया तो वह भी घबराए ना, वह भी इस कोर्स नूं कर सकता है। एक कोर्स बड़े साडे स्टाफ बहुत ही प्यार नाल पढ़ाउंदा है तो बड़े ईजी तरीके दे नाल इस कोर्स नूं तुहानूं करन दी हैल्प की जाएगी।